तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से खास मेहमान अयोध्या पहुंचे। इन सभी लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया था और उसी बुलावे पर देश की तमाम बड़ी हस्तियां राम के गर्भगृह में प्रवेश की साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंची। इनमें देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता और गायक भी शामिल थे। अयोध्या के इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसी हस्तियां भी शामिल हुई। वहां पहुंचे अमिताभ बच्चन लोगों से मिलते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी देखते ही उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी तरह दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रजनीकांत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वो तो सबसे आगे की कुर्सी पर बैठकर राम मंदिर की सुंदरता को निहारते दिखाई दिए। इस दौरान वहां पहुंचे एक्टर अनुपम खेर ने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए अयोध्या के इस त्योहार को दिवाली से भी बड़ा त्योहार बताया। दिवाली से बड़ा है ये, दिवाली है और वास्तविक दिवाली है। उनके अलावा विकी कौशल, कैटरीना कैफ, आयुष्मान खुराना और जैकी श्रॉफ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। वहां पहुंचे अभिनेता विवेक ओबेरॉय इस दौरान जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आए। और मेहमानों का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ, वहां सैकड़ों मशहूर हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जुटी। इन सभी मेहमानों को राम मंदिर परिसर में बैठने की जगह दी गई थी। और जैसे ही गर्भगृह में भगवान राम विराजे, पूरी अयोध्या राममय हो गई। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। मतलब न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े कलाकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इनमें चिरंजीवी, रामचरण, यश और प्रभास का नाम भी शामिल है। इनके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत भी अयोध्या में राम रंग में रंगी नजर आईं। उन्होंने ये भरोसा जताया कि अयोध्या को अब दुनिया भर में एक नई पहचान मिलने वाली है। हमारे जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में क्या होने वाली है। वहीं कई मशहूर गायक और संगीतकार भी इस कार्यक्रम के खास मेहमानों की लिस्ट में शामिल थे। इनमें शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर जैसे कई मशहूर लोगों का नाम भी शामिल है। लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के इस शुभ अवसर पर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, संजय लीला भंसाली और मधुर भंडारकर भी अयोध्या के इस कार्यक्रम में नजर आए। उन्हें भी राम मंदिर परिसर में वीवीआईपी मेहमानों के लिए तय की गई जगह में बैठाया गया और वहीं से उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।